इसमें ये जो फोल्ड बना होता है ना ग्लव्स में, फोल्ड बना होता है, इस फोल्ड को हमने पकड़ा ऐसे, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, इस फोल्ड को पकड़ा और ये ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर का पार्ट स्ट्राइल है। ठीक है, अब हम ग्लव्स पहनेंगे। ये पकड़ा, ठीक है, पूरा हाथ में आ गया। अभी ये मैंने यहां छोड़ दिया, ठीक है। अभी इससे ऊपर से नहीं पकड़ूंगी मैं, इससे ये पकड़ा, इसको पूरा ऊपर तक लेके गए, ठीक है, छोड़ दिया, वो यूज खत्म हो गया। इसका मैंने ये चीज पकड़ी थी, नीचे वाला, अंदर वाला नहीं पकड़ा, ओके, क्योंकि अंदर वाला स्ट्राइल है, साफ है, छोड़ दिया। ठीक है, ये तरीका है ग्लव्स पहनने का, और घर जाएंगे तो इसी तरीके से ग्लव्स पहनना, ठीक है। हैंड रब भी कर सकते हैं इसके बाद? इसके बाद हैंड रब नहीं करेंगे, ग्लव्स स्ट्राइल होते हैं, ठीक है, ग्लव्स स्ट्राइल होते हैं, हैंड रब नहीं करेंगे उसके। भाई बच्चे का अगर वो टच कर दिया थोड़ा सा तो चेंज कर, कंडीशन में चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये ड्रॉ शीट है, बट जो मैंने आपको बताया था वो कटिंग शीट होती है ड्रेसिंग सेट में, ठीक है, उसको आप घर में भी बना सकते हैं। इसको मैं अभी नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं इसको यहाँ से ऐसे डाल सकती हूँ, क्योंकि इसका, इसको वैसे डालने का कोई यूज़ नहीं है, इसमें छेद नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने साफ हाथों से ये लिया, इस पर रख दिया, ये एरिया भी स्ट्राइल है क्योंकि मैंने इसमें से क्या निकाला, ग्लव्स निकाले, ठीक है। अब मुझे गॉज चाहिए होगा, घर में आप क्या करेंगे, घर में आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर किसी के पास हेल्प करने के लिए कोई तीसरा पर्सन नहीं है, अभी मेरे पास अमिता जी हैं, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो ये प्रिपरेशन आप पहले से करके रखिए, बॉल का, और गॉस को पकड़िए, ऐसे निकालना है, ये लेना है और यहाँ रख देना, ठीक है। अगर एक बार मैं आपको ये तरीका भी बता दूंगी कि पेपर को फाड़ के गॉस को इस पर कैसे रखना है, जो बिना हाथ लगाए, ठीक है ना। तो अभी ये भी आपका साफ है, गॉस भी साफ है, बॉल भी साफ है, ठीक है। और इससे पहले, ग्लव्स पहनने से पहले बीटाडीन को हम इसमें डाल के रखेंगे, अगर हो सके तो हमें दो बॉल स्ट्राइल करना होगा, जिसमें एक में हम स्पिरिट डाल सकते हैं या नॉर्मल स्लाइन डाल सकते हैं जो हम यूज कर रहे हैं बेड्सो के लिए, और एक में हम बीटाडीन डाल दें, ठीक है। डिपेंड करता है कि ग्रेडिंग कितना है, नॉर्मल स्लाइन, नहीं ये सबसे छोटा, सबसे छोटा। सीजन स्ट्राइल मत करो, इसमें से ले लो।